हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एचपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स का जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 23 सितंबर को होना है, उसके रिगार्डिंग एक न्यूज आई है कि आपके जो एडमिट कार्ड पे एड्रेस लिखे हुए हैं सेंटर के, उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सेंटर में क्या चेंज है, ताकि आप सभी लोग समझ सके। यहाँ पर देखो, ये नोटिस जारी किया गया है, जिस नोटिस में बोला गया है इट इज हेयर बाई अनाउंस्ड, ठीक है, इट इज एक सेकेंड रुको, इट इज हेयर बाई अनाउंस्ड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, वो विल बी अपियरिंग इन द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए अपियर होने जा रहा है, और एग्जाम है आपका 23 सितंबर 2024 को। That the address of following examination centers have been mentioned wrongly in the admit card due to a technical error. एक technical error की वजह से क्या हुआ है, वो आपके लिए पास wrongly mentioned है, तो उसके आपको सही correct करके दिया गया है। आप अपने अपने address देख लो, ये incorrect address है, ये correct address है। Incorrect में है आपका, सबसे पहला आपको दिया है जैनेन्द्र पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 पंचकुला, इसकी जगह क्या है आपका सही एड्रेस, जैनेन्द्र पब्लिक स्कूल सेक्टर 1 पंचकुला, इसमें सेक्टर 4 था, सेक्टर 1 आपका करेक्ट है। दूसरा है श्री जैनेन्द्र गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 पंचकुला, यहाँ पर श्री जैनेन्द्र गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 1 पंचकुला, ये भी सेक्टर 1 में ही है। तीसरा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 12 पंचकुला, यहाँ पर है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 पंचकुला, यहाँ पे 12 लिखा गया था, ये सेक्टर 6 में है, ठीक है। The error has now been corrected. Error अब करेक्ट कर दिया गया है. Hence all the candidates are directed to re-download their admit card as per above mentioned correct address of examination centers. तो आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड दोबारा से डाउनलोड करना है, उसमें आपको सही एड्रेस ये वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग सब कर लेना जिसका भी पेपर है। तो यहाँ पर मैं सेशन को एंड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखेंगे सभी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।